हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजभव राज, आपके सामने लाया हूं बिगेस्ट सेलिंग वाली बाइक जो कि है एक्सट्रीम 125। और इसके अंदर दिखाता हूं आपको फुल लोडेड काम, जो कि फुल लोडेड मेरी वीडियो ज़्यादातर फुल लोडेड आपको देखने मिलती है एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम में ऐसा काम होता है कि बिल्कुल ही अलग डिफरेंट और यूनिक लुक निकल के आती है। जैसे कि आप देखते हो फ्रंट से आपकी लुक, इसकी लुक जो है चेकआउट करो। एक तो वैसे मिनी निंजा की लुक इसमें दी गई है पूरी तरीके से, साथ में जब इसके साथ में वाइजर लग जाता ना ये वाला, तो वाइजर से लुक और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। आप लुक लुक चेक करो फ्रंट से, साइड से, और फिर इधर से भी बैक साइड से लुक चेक करो। इस वाइजर की जो लुकिंग है ना, वो चेक करो आप क्या लुक आ रही है, क्योंकि ये वाइजर ऐसा लग नहीं रहा कि हमने किसी और बाइक का लगाया है। लुक ऐसा लगता है जैसे कि एक्सट्रीम ने ही एक जर्मन कंपनी से लगा के दिया हो। वही सेम लुकिंग का वाइजर जो पहले वाली वीडियो में देखा था, वही हमने सेम इसमें दोबारा से रिपीट कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा लुक इनहेंस कर देता है। और ये हो गया वाइजर, और यहाँ पर फिर ना लगी हुई नंबर प्लेट, तो फिर उसका लॉजिक होता है कि नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगी तो फिर थोड़ी सी अजीब लगने वाली है वो, तो उसको हमने यहाँ से हटा कर दिया नीचे। और नीचे भी कोई ये नहीं कि किसी भी गाड़ी किसी में टोक मारा, ये है प्रॉपर इसी का ही एक्सट्रीम आर का, जो कि आपको देखने मिलता है इसके अंदर प्रॉपर फिटमेंट। फिटमेंट देख लो आप, इधर आइए, ये देखिए ये फिटमेंट देख लो आपकी, इसकी पूरी जर्मन फिटिंग है, कोई इसमें अल्ट्रेशन कोई जुगाड़ नहीं किया हुआ है इसके अंदर। पूरा फिटमेंट आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो, और इसकी जो लुकिंग है ना लगने का सब मज़ा आया था लगने के बाद। और इधर आपको देखने मिलेगा शॉकर प्रोटेक्शन, फॉक्स रेडर शॉकर प्रोटेक्शन का यूज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका जो मडगार्ड होता है ये सेफ हो गया, साथ में आपका शॉकर है आपका ये सेफ हो गया, और इसका जो यूज़ है वो आपका नीचे की डिस्प्ले जो होती है ना ये पूरी सेफ हो गई, साथ में आपका नीचे का शॉकर ये भी आपका हो गया सेफ। तो ये होता है फुल सेफ्टी वाला फीचर्स, सेम इधर और सेम मिलता है आपको इस तरफ, दोनों तरफ से सेफ भी हो गई, साथ में लुक को भी करता है काफ़ी इनहेंस, जो कि आप देख सकते हैं लुक को, लुक हो गई इसकी काफ़ी इनहेंस। और गाड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया वो है ब्लैक रेड, ब्लैक रेड क्योंकि भैया को रेड पसंद था, तो हमने रेड के साथ साथ ब्लैक, रेड एंड ब्लैक टच काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट लग रहा है इसके अंदर। लुक चेकआउट कर सकते हो एक बार दोबारा से, आप देखिए ये लग गया इसके अंदर फॉक्स राइडर और फॉक्स प्रोटेक्शन और नंबर फ्रेम, इससे आपका लुक जबरदस्त आया था। साथ में इसमें लगा दिया नंबर फ्रेम जो कि मिलता है आपको मेटल वाला, इसमें प्लास्टिक का भी आता है वो भी लगवा सकते हो, बट इससे क्या है ये हैवी है, आपका हैवी लगाने से ये होता है कि प्लास्टिक का टूट जाता है, ये आपका टूटेगा भी नहीं, प्लेट होती है एल्युमिनियम की तो प्लेट भी आपकी नहीं टूटेगी, तो ये इसके अंदर लगा दिया गया है। और अब इसके बाद दिखाता हूँ आपको सबसे मेन चीज़ जो कि है क्रैश गार्ड, ये देखिए ये है क्रैश गार्ड जो कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड, आप देख सकते हैं फिटमेंट 0 to 0 होती है इसकी, देख सकते हैं सर इधर देखिए ये आपका होगा एक पे एक थ्रू जो कि आपको देखने मिलेगा, तो देख सकते हैं आप। ये मैं इसलिए आपको फिटिंग दिखा रहा हूँ कि मार्केट में पता क्या होता है, इसकी जो फिटमेंट होती है उस वही सबसे मेन है, और फिटमेंट को लेकर ही कस्टमर हमारे पास आते हैं। आप कहीं और से आप करवाते हैं तो ये आपको फिट नहीं मिलने, फिटमेंट मिलने वाली नहीं है। ये किक देख सकते हैं आप, ये देखिए किक में स्पेस भी आपको देखने मिलेगा पूरा 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 आधा इंच का स्पेस है जो कि आपको देखने मिलता है। इससे क्या होता है आपका ना तो किक आपकी कहीं अड़ रही है ना ही आवाज़ करेगी, ये प्रॉपर। तो इधर हो गया फिटमेंट, सेम आपको इधर देखने मिलेगी फिटमेंट, ये देखिए नीचे की तरफ ये आपका फिटमेंट कर दी गई इसके अंदर। और एक मिलता है आपको फ्रंट पे, तीन फिटमेंट है इसकी जो कि आपको देखने मिलेगी, और ये मिलता है वो पूरा प्रॉपर फिटमेंट के साथ। और एक चीज़ और, ये देखिए इधर भी आपको स्पेस मिलेगा पूरा 0 to 0 वाला, जो कि आपको एक उंगली का स्पेस है वो आपको मिलता है इधर सेम उस तरफ, और साथ में मिलते हैं स्लाइडर इसके अंदर। तो जो स्लाइडर होता है ना, स्लाइडर का जो यूज़ होता है जब भी गाड़ी आपकी स्क्रैच होती है, गिरती है, कुछ भी होता है ना, आपको समझ लो आपके पैर भी बचेंगे, साथ में TPFC सेफ हो जाते हैं, और ये आपका पूरा टैंक ये होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और जब भी घिसते हैं तो सिर्फ घिसते हैं आपके ये स्लाइडर्स, क्योंकि स्लाइडर होते हैं आपके रबड़ के नहीं होते, ना ही प्लास्टिक होती है, इसका अलग ही मटेरियल होता है जो कि सिर्फ घिसता है, ना ही चिंगारी निकलती, ना ही ख़राब होता है। नॉर्मली अगर कोई लगवाना चाहे तो इस तरीके के मेटल वाले लगवा सकता है, बट उनसे क्या होता है जब भी गाड़ी गिरती है तो पेट्रोल वगैरह लीक होता है तो उससे आग लगने का खतरा हो जाता है, तो ये करता है उस खतरे को भी सॉल्व, प्लस आपकी सेफ्टी हो गई। सेम इधर सेम मिलते हैं आपको इस तरफ, देख सकते हैं वही चीज़ फिटमेंट इधर भी दिखा देता हूँ, एक ये रही और एक आगे की तरफ, तो ये प्रॉपर फिटमेंट है जो मैंने दिखाया दोनों तरफ से, कहीं पर भी कोई जुगाड़ नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। और इधर दिखाऊंगा आपको डिस्क लॉक, ये देख सकते हैं ये डिस्क लॉक लगा दिया गया, जरूरी नहीं कि ये लगाना है, और भी बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर आती है, आप कोई भी लगवा सकते हो। इससे इसका जो यूज़ होता है जब भी आप गाड़ी कहीं खड़ी करते हो, पार्क करते हो, तो क्या होता है ये होल होता है ना, ये वहाँ से निकाल के इस होल के अंदर फिट हो जाएगी, और इधर आके डिस्क लॉक इधर अटक जाएगा, और अगर पीछे करेगा तो इधर अटक जाएगा, तो ये करता है आपकी गाड़ी को सेफ, नॉर्मल ज़्यादा नहीं पर नॉर्मली सेफ हो जाती है आपकी गाड़ी इससे। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर लगाए गए लीवर गार्ड, जो कि देख सकते हैं ये होते हैं आपके रेड और कार्बन, रेड और कार्बन के आपके लगा दिए गए हैं इसके अंदर लीवर गार्ड, जिससे आपके लीवर भी सेफ होते हैं, साथ में आपके होते हैं हैंड भी पूरी तरीके से सेफ, फुली सेफ्टी वाला फीचर जो कि आप देखने मिलेगा इस तरफ, सेम इधर सेम मिलता है आपको इस तरफ, दोनों तरफ लुक देख लो क्या जबरदस्त आ रहे हो, जरूर नहीं ये वाले कौन है, बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर आती है, कोई भी प्रजाति का आप लगवा सकते हो इसके अंदर। और इसके बाद ग्रिप देंगे, ग्रिप देखने मिलेंगे हैंड ग्रिप, ये है फोम वाले ग्रिप, ये नॉर्मली
लोग फोम वाले इसलिए लगवाते हैं, गर्मियों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये वाले। वैसे आप चाहो तो ये कटवा कर अंदर वाले वो भी कोई और भी लगवा सकते हो, जो कि हमारी ज़्यादातर वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके अंदर लगा दिए गए हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर टैंक बेड, ये देखते हैं ये टैंक बेड, ये आपका शार्क पावर का ओरिजिनल टैंक बेड जो कि आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, बहुत ही हैवी क्वालिटी का। और इसका यूज़ बता देता हूँ क्या होता है, जब भी कोई भी राइडर बैठता है ना, बैठने के बाद क्या मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बैठने के बाद अगर चलते हुए हल्का सा भी इधर झटका लगा तो ये बेल्ट वगैरह यहाँ पर टकराती टकराती है, तो ये करता है उसको कंट्रोल, ना ही बेल्ट टकराएगी ना ही इसमें स्क्रैच आएगा। चाहे लैमचेंग करा रखी हो नहीं करा रखी हो, इसमें स्क्रैच आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टैंक पैड लगा देगा बहुत ही हैवी क्वालिटी का। ये लुक भी इनहेंस हो गई, साथ में सेफ्टी भी इसमें पूरी पूरी हो जाती है। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको इधर आइए, ये देखिए ये है इसका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर। ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर का जो यूज़ है वो भी बता दूँ क्या होता है, ये देखिए ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर का जो यूज़ है वो ये होता है। देखिए अब इसका होता है इतना सा छोटा सा बिल्कुल, ये देखिए नीचे दिखाओ, नीचे दिखाइए, ये देखिए इतना सा सिर्फ ये है। और इतने से में ना आपका पैर स्किट होना लाजमी है कि हो गया होगा। कंपनी ने बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई, गाड़ी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट एक ब्रेक पैनल बहुत ही बेकार सा बनाया है इसका, जिसे हमने कर दिया एक्सटेंड। अभी एक्सटेंड होने के बाद ईजीली इधर ब्रेक भी लगेगा, आपका पैर स्किट्स भी नहीं होगा ना, चाहे कीचड़ हो चाहे पानी हो चाहे बारिश हो चाहे आंधी तूफान, कुछ भी आपका पैर स्किट होने वाला नहीं है इसे लगाने के बाद। और ये रेड कलर की मैचिंग का दिया तो इसमें रेड ही लगाया गया, जैसे कि मैंने बताया कॉन्सेप्ट लिया गया एक ही कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। हम ये रेड दिएगा, कलर आप कोई भी ले सकते हो, ग्रीन ले लो, रेड ले लो, ब्लू ले लो, सिल्वर ले लो, कोई भी कलर इसके अंदर आप ले सकते हो इजीली, सब सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है। और इधर कर दिए गए कुशनिंग प्लस फोम, ये देख सकते हैं कुशनिंग कर दिए गए प्लस फोमिंग और कार्बन कलर का दिया गया, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। वो खुद भैया कह रहे थे मुझे खुद कराना, तो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने भेज दिया था कि भैया अभी खुद अपनी पसंद करो, तो उन्होंने करा दिया है अपनी पसंद से। ये भी काफ़ी अच्छी लुकिंग के दिख रही है, साथ में सॉफ्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई है इसे करने के बाद। और अब आपको एक छोटी छोटी चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, ज़्यादा हैवी चीज़ छोटी सी चीज़ देखिए। एक तो है ये गियर शॉक्स, इस गियर शॉक्स का जो यूज़ है वो एज़ यूजल क्या होता है, जो शूज़ होता है ना, अब जैसे इन भैया का शूज़ देखो, देखो अपना शूज़ देखो, ये देखो ये शूज़ है ना, ये ग्रे शूज़ है। और जब ये इसमें यूज़ करेंगे ना इसको, तो इसका क्या होगा, ग्रे की जगह हो जाएगा ब्लैक, क्योंकि हो गया देखो भैया कह रहा हो गया, देखो ये देख रहे हो ब्लैक ये हो गया। तो ये इसीलिए होता है कि ये नहीं लगा होगा ना, तो आपके जो अंदर की रबड़ है वो घिस जाती है, वो घिसती है आपके शूज़ पर, शूज़ होता है ख़राब। आपका जरूरी 200 रुपये का शूज़ हो, 10,000 का होता है, 20,000 का हो, 2,000 का हो, 3 जितने मेरे शूज़ हो, वो शूज़ आपका होता है ख़राब। तो एक छोटी सी चीज़ लगाने से शूज़ भी सेफ हो जाता है पूरी तरीके से आपका। तो ये लगा देगा, अब दिखाता हूँ इसके अंदर एक चीज़, ये देखिए ये इसकी शाइस्टैंड जैकेट जो कि मिलती है आपको SS की स्टेनलेस स्टील, ये आपकी स्टेनलेस स्टील वाली शाइस्टैंड जैकेट है जो कि इसके अंदर लगा दी गई है। इसे लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, कहीं पर भी आप डस्ट हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, ये आपकी गाड़ी खड़ी है स्टेज, जैसे आपने खड़ी करी है ऐसी की ऐसी एज इट इज़ खड़ी हो जाती है इसे लगाने के बाद। तो ये इसका यूज़ है, कहीं भी गाड़ी आपकी गिरती नहीं है। और अब इसकी जो मॉडिफिकेशन है, इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई वो सुनाता हूँ आपको, इसमें हॉर्न, ये हॉर्न लगाए हैं रूट्स के, जो कि रूट्स के हैं आपके, तो स्मार्ट टोन इसका नाम है, स्मार्ट टोन इसकी सुनाता हूँ वो साउंड, पहले चाबी ऑन कर दिए, ये सुनिए साउंड भाई साहब, रोड पे निकलने के बाद आपको कोई साइड ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे हॉर्न। और चलान नहीं होता है ऐसे हॉर्न पर, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है यार भैया हमने हॉर्न तो लगवा लिए बट इस पर क्या चलान होगा, तो चलान नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ये हॉर्न आपके सिंपल छोटे हॉर्न है और सिंपल हॉर्न पर कभी भी चलान नहीं होता है, हमेशा होते हैं तो क्रेटा वगैरह में या बहुत ही ज़्यादा हाई होता है उसके अंदर आपके चलान होते हैं, इसमें कोई चलान आपका नहीं होने वाला। तो यहाँ पर अगर ये तो होगी वीडियो कम्प्लीट, अब मिलवाता हूँ भैया से, जिन भैया की ये बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा और भैया कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है, तो आइए भैया। तो हेलो ब्रदर, तो सर कैसे हैं आप और ये बताएं नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा हाल चाल एकदम बढ़िया, मेरा नाम जतिन वाधवा है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। स्पेशली भैया की वीडियो देख के, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, पूरी रिसर्च करी, उसको करने के बाद मेरे को सबसे बढ़िया काम यहीं का लगा, सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड जो जो काम हुआ। एंड एज़ पर भैया जो मुझे जो सजेस्ट किया कि सेफ्टी के लिए ये सब कुछ सही है, सो मैंने सारी की सारी इंस्टॉलेशन कराई एंड बहुत अच्छे बेस्ट प्राइस में सारा कुछ। भैया का बहुत ही अच्छा नेचर है, ही इज़ टोटली कम्फर्टेबल एंड जब से मैं आया हूँ तब से मेरे साथ है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही है मेरे को। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? आइए आइए भैया, आपकी मोटिवेशन एक नंबर है, एक नंबर फिटिंग है भाई, जो भी काम करा है सबसे मस्त काम कहते हैं, पूरी मार्केट में हम घूम लिए लेकिन ऐसी A1 फिटिंग किसी के पास नहीं है। जब भी आप आए तो SKD भाई के पास है, राजू भाई के पास, बहुत अच्छे नेचर के हैं। क्योंकि आई वांट टू से वन थिंग और, क्योंकि हमने क्रैश गार्ड एक जगह और पूछा बट वो कहते हैं हमारे पास जुगाड़ वाला है जो पत्ती से लगेगा, वो आपको पत्ती अलग दिखेगी। व्हेन वी सेड वो गोल्डन ग्रीन पत्ती, वो कहते हैं हम पेंट करके लगाएंगे, हमारे पास ऐसा वाला नहीं है। पर ये भैया के हमने वीडियो देखी तो पूरा जेन्युइन फिटिंग, पूरा स्नग फिट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बिग थैंक्स टू दिस।
बहुत बढ़िया है, बहुत थैंक्स टू यू आने के लिए, क्योंकि लोग तो पिछली गली से नहीं था, फरीदाबाद से आ रहे, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से। और जल्द ही मेरे पास ना एक और हिमालयन वाले भैया आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 1600 किलोमीटर दूर से, जो कि आएंगे पुणे से। मैं अब आप समझ चुके होंगे भैया, आपको बोल रहा हूँ, आपका सवेरे कॉल आया था, मैंने आपका नंबर भी सेव कर लिया, और मुझे पता है आपको इतना ट्रस्ट करके मेरे पास आओगे, और मैं आपको फुल्ली आपके काम से, अपने काम से सेटिस्फाइड करूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो डैम श्योर कि आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाइड हो, काम से सेटिस्फाइड होंगे, जैसे कि भैया हुए हैं और बाकी सब लोग होते हैं। तो बस एक चीज़ का जरूर ध्यान देना, जब भी आप करोलबाग के अंदर आते हो ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना, सिर्फ आना आपको राजू भाई के पास, क्योंकि राजू भाई के पास आओगे तभी आपको टोटल सेटिस्फेक्शन वाला काम मिलेगा। अदरवाइज़ मार्केट में हैं तो बहुत, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही एक स्पेशल हूँ, बहुत सारे मार्केट के अंदर हैं, बट एक्सपीरियंस होल्डर अगर कोई है मार्केट के अंदर, तो वैसे 25 ईयर का एक्सपीरियंस मैं लेके बैठा हूँ। 25 ईयर कम नहीं होते, आपको लग रहा हो शायद मेरी एज से, एज इतनी हो ना हो, एज डज नॉट मैटर, मैटर करता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस 25 ईयर का, करोलबाग में 3 ईयर्स हो गए मुझे मार्केट में काम करते हुए। मेरी जो शॉप है SKD के नाम से, जो कि है बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस शॉप मेरी है, फेमस काम करके होता है, नाम कमाया था काम करके, जो कि मैंने कमाया है। हर क्लाइंट्स मेरा जो भी आता है, वो क्लाइंट नहीं, मैं अपने भाई, बड़े भाई छोटे भाई की तरह होते हैं, जैसे कि सब जितने भी आते हैं, फैमिली वाला ट्रीट मेरे साथ होता है, और मैं सामने वालों को करता हूँ, सामने फैमिली वाला ट्रीट मैं उसको दे सकूँ, कोशिश पूरी होती है। बाकी भैया आप लोगों के हाथ में, आप लोग कितना प्यार मुझे, और जिसने मुझे प्यार दिया है उसको तो भैया मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान दो, एक रेड कलर करें, उसमें एक छोटा सा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब बटन वो जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग्स लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा हमेशा। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।